चाहेगा। और सब कहते हैं ठीक ठाक हो, मैं सुबह के 6:07 हो रहे हैं, मैं सो उड़ गया, अभी मुँह धोआ, मुँह में पानी लगा हुआ है, आज बहुत फाड़ू पार्टी होने वाला है, ज़बरदस्त दोपहर में ही पार्टी है, ज़बरदस्त पार्टी होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसे ही आखिर तक वीडियो बनेगा, देखते रहिए। भाई ने आज सुबह सुबह मुझे बताया कि पार्टी होने के आपको फ़ोन किए थे, आज मटन की बिरयानी बनने वाली है और ये पार्टी शमीम भाई की तरफ से ही है, और ये प्याज तो छील रहे हैं ये, और यहाँ पे पूरा प्याज का यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, लहसुन भी है। अभी तो शुरुआत है, आप वीडियो बने रहिए तो देखते रहिए, जब बिरयानी पूरी तैयार होती है तो हम आपको दिखाते हैं। मटन बिरयानी बहुत अच्छा बनाते हैं इनसे, भाई कॉन्ट्रैक्ट करें, कहीं भी 50 आदमी तक की बिरयानी बना के आप लोगों को खिला सकते हैं। हम लोग भाई खा चुके हैं इनके हाथ से बिरयानी, बहुत तारीफ़ की बात है भाई, बिरयानी अच्छी बनाते हैं, बेस्ट क्वालिटी की। प्याज कट चुका है और आधा प्याज कटा हुआ है, आधा बाकी हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, बिरयानी वानी ऐसा ही मिलता है। शमी भाई लगे हुए आज मटन की बिरयानी हम लोगों को खिला ही देंगे, इनके लिए ठंडा पानी मंगाया गया है यहाँ पे, देखिए रखा हुआ है, और यहाँ पे इनके लिए बिस्किट भी आया है, उनको बहुत प्यास लगा था भाई, खाली पानी तो नहीं आएगा, तो इसके साथ बिस्किट भी सब चल रहा है। और यहाँ पे बकरा है, देखिए यही दबा होगा बकरा कुर्बानी में, बकरा मटन बनेगा। कार्यक्रम हो चुका है, अब सब लहसुन अदरक प्याज सब छिल छाल काटकूट हो गया है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप दिखा देते हैं, प्याज कट गया पूरा, भूख भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी भी है, और मटन बिरयानी की भाई आज डिमांड थी सबकी, हम बोले थे शमीम भाई आप मटन बिरयानी खिलाओ, करीब महीना दिन हो गया हम लोग को मटन बिरयानी खिलाए, तो उन्होंने भाई सकार लिया, छुट्टी आज उनकी तो बार है, आपको दिखाते हैं भाई हैं। अरे प्याज वह पूरा तैयार हो गया है, मटन बिरयानी की अब तैयारी हो चुकी है, मतलब कि अब ये मामला हो चुका है, कट गया है या फिर खड़ा मसाला वसा रखा हुआ है, कुछ प्याज या बिरयानी करने के लिए रखा हुआ है, अब बस ये रेडी करना है भाई, अब लकड़ी पकड़ी इलाके में रखे हुए हैं धूप में सुखाने के लिए, अब हम लोग का काम स्टार्ट है। बारिश की वजह से लकड़ी भींगा हुआ है, जल नहीं रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, अभी दो तीन जगह पर लकड़ी लेके आए हुए हैं, अभी सूखा नहीं, हल्का गीला ही है, अब बिरयानी यहाँ पे मतलब कि बिरयानी का काम हो रहा है, धूप भी देख लिया आप लोग माशाल्लाह, धूप भी इतनी हार्ड है पूछना नहीं है, काम चल रहा है, सिलसिला प्रोग्रेस जारी है, वीडियो आखिर तक देखिएगा, आखिर तक वीडियो देखिए, मज़ा आएगा, इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएगा, सामान कुछ बाकी है वो जाके लेके आएगा, आप लोग वीडियो में बने रहें, आखिर तक बने रहें, देखते रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ मटन बिरयानी कैसी होती है। लकड़ी गीले होने के कारण हाथ जो है सही बन नहीं पा रहा है, इसलिए प्याज को जो भूनने में दिक्कत हो रहा है, हवा भी बहुत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, बगैर बंदा लगा हुआ है काम कर रहा है, डालना ज़रूरी है ना, ये दही है, देखिए दही है, इतना शानदार दही है, यहाँ पे नींबू है, यहाँ बिरयानी का मसाला है, यहाँ पे बिरयानी हो गया है, और सारा मतलब कि दही स्टार्ट हो गया है, देखिए दही भी अब मटन में मिक्स किया जा रहा है, और पूरा मटन दही से मिक्स हो जाएगा, अभी चलाया जाएगा इसको, आप लोग देखिए और कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, नंबर अपना कॉन्टेक्ट देखिए, ठीक है। दही पड़ रहा है, दही हल्के हल्के कर्मों थे, अब ये मटन में मिक्स किया जा रहा है, और शमीम भाई बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, सुबह से काम चल रहा है, धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत लेट हो गया हम लोग का बनाते हुए, आप लोग ऐसे ही देखें और बने रहें, आखिर तक वीडियो देखें और कमेंट आप राय दें, राय दें, वीडियो आखिर तक देखें, अभी तो शुरुआत है, अब जब पूरा तैयार हो जाएगा फिर हम आप लोग को दिखाएंगे बिरयानी कि बिरयानी क्या है, आखिर सुबह बताएंगे क्या इसका टेस्ट हुआ है, आखिर तक वीडियो में आप बने रहें, ठीक है, फिर मिलेंगे आखिरी में वीडियो में, तब तक के लिए खुदा। लोग चावल की तैयारी कर रहे हैं, इसमें गोश्त पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग दम मारेंगे, शुरुआत हो गया है, अभी सब मटेरियल पड़ रहा है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं पूरे क्या बोलते हो हाँ, यह देखिए अब रंग हल्का हल्का रंग पड़ेगा, दर्द रंग है, मतलब कि बिरयानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हम लोग सुबह किए 10 बजे से लगे हैं, टाइम अभी 1:48 हो रहा है, अभी उसके बाद दम मारना बाकी है, सारा हो जाएगा तो हम दम मारेंगे, फिर उसके बाद जब तैयार हो जाएगी बिरयानी तो हम आपको दिखाएँगे, ऐसे ही वीडियो में बने रहें, देखते रहें, आखिरी तक वीडियो देखें, उसके बाद अपने कमेंट्स में राय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब धनिया का पत्ती पड़ रहा है, ये धनिया की पत्ती भी पड़ गई, अब इसके बाद
देखिए अभी क्या क्या पड़ता है भाई। शमीम भाई बिरयानी बनाते हैं, लाजवाब आदमी उंगली चाट जाता है। ये मसाला है, मसाला है ना, ये गरम मसाला है भाई। मसाला भी पड़ गया, अब इसके बाद क्या डालते हैं आप देखना है शमीम भाई, क्या डालेंगे। वो कोई मटन तैयार हो गया है, अब देखिए माशाल्लाह मटन का एकदम जो उस पर वो है, जो मसाला तैयार किया गया मटन का बहुत शानदार है। इस पर देखिए आप, ये शमीम भाई हल्के हल्के चारों तरफ इसको फैला रहे हैं, और मेहनत तो है भाई बनाने में, तो मेहनत लगता ही है, मगर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत शानदार खुशबू है, बहुत बढ़िया है। अभी इस पर टमाटर का तह पड़ रहा है, हाँ इस पर टमाटर का तह पड़ रहा है, अब टमाटर डाला जा रहा है, उसके बाद सब काम होगा। ठीक है, अभी आइए बिरयानी का टेस्ट लीजिए, मज़ा लीजिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो इसमें गर्म मारी है भेजा मैंने, दिखाया आपको कैसा रहा कैसा नहीं रहा, और अपनी राय दें, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, आगे तक देखते रहिए बने रही वीडियो अच्छी लगे। अब दही डाला जा रहा है ऊपर से, वाह क्या खुशबू है दही का, ये दही का मतलब ये रायता टाइप का बनाया हुआ है, दही पड़ रहा है ऊपर से भी, रंग अब ऊपर से फिर रंग का मात्रा दिया जा रहा है, रंग पड़ रहा है तो गाइस ये पूरा हो चुका है क्लियर। अब हम लोग इसको दम मारेंगे, कम से कम 15 मिनट दम मारेंगे, उसके बाद जब उतरता है तो फिर आपको हम दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है या खाने में इसका आनंद कैसा है। आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहें और देखते रहें, और भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, आप लोग कितना मेहनत कर रहा हूँ, और लाइक कर दो और कमेंट में अपनी राय दो, फिर भी देखते हैं आगे तक वीडियो में बने रहिए, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, बिरयानी तो मेहनत करना पड़ता ही है, और रोज़ एक वीडियो नया लाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए एकदम फाइनली सब हो चुका है, अब इस पर कोयला रखा जा रहा है, ये भाप से इसके गर्म हो जाएगा कुछ देर तक, ये जब तक सारे लोग इकट्ठा होंगे उसके बाद भाई पार्टी स्टार्ट होगी, और इसका टेस्ट क्या है, आनंद कैसा होगा, खाएंगे लोग उसे हम पूछेंगे और आपको बताएंगे, और अपनी राय दें। आप लोग बनाना चाहिए, शमीम भाई हैं, इनसे कॉन्टेक्ट करें, इनका नंबर लें। बिरयानी बहुत शानदार, चिकन बिरयानी मटन बिरयानी बहुत अच्छा बनाते हैं, इनके हाथ में जादू है, और अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दें, अपना नंबर भी दें, आपको कॉन्टेक्ट करना होगा, हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, किसी को बिरयानी दरबार बनाना हो बनवाएँ। ये है आखिरी तक वीडियो देखें आखिरी तक। ये देखिए भाई बिरयानी ये लोग खा रहे हैं, मटन बोल रहा है, मटन बिरयानी मटन के, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, मुझे काट दिए जा, आपसे बोला कि हमने काट देगा मोबाइल खड़े कर हां तो जो होते ना रे माफी और सीधा सीधा करवाए, ये लोग खा रहे हैं, हम निकाल के दे रहे हैं, एक आदमी का निकला हुआ है अभी आए नहीं है, टेस्ट अच्छा है। अब टेस्ट आसिफ भाई बताएंगे कैसा बना है, आसिफ भाई थोड़ा इधर सर उठाइए, शमीम भाई ने बिरयानी जो बनाया है बहुत टेस्टी है, बहुत मतलब लाजवाब है, अगर चाहते फिर भी बढ़िया बिरयानी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उतरा है, मटन की बिरयानी बहुत टेस्टी है, चिकन बिरयानी इनके हाथ से मैं खाया था, आज मैं मटन बिरयानी खा रहा हूँ, बहुत क्वालिटी बढ़िया है। हमारे बगल में चार भाई भी बैठे हुए हैं, दबा के खा रहे हैं, इधर आसिफ भाई बैठे हुए खा रहे हैं, और सामने सबको चला रहे हैं, बस करो भाई आपको दाग नहीं चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया है, खाइए बहुत शानदार है। ये देखिए हमारे प्लेट में भी है, इधर आसिफ भाई की प्लेट में है, इधर सरार भाई के प्लेट में है, यहाँ सामने हम स्प्राइट लेके आए हुए हैं, बिरयानी के साथ स्प्राइट होना चाहिए, खा है बहुत शानदार भाई। आप शमीम भाई आप खा के बताइए भाई बिरयानी का टेस्ट कैसा हुआ है, हमने तो भाई खा लिया टेस्ट अच्छा है, आप बताएं बिरयानी का टेस्ट कैसा है, अच्छा है अच्छा है भाई बढ़िया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, दम लगता है कि स्पाइसी बिरयानी है। एक दिन चिकन बिरयानी मैंने यहाँ से खाया, आज मटन बिरयानी खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, आपका कमेंट होता है, अपनी राय है, ठीक है आखिर तक वीडियो बना रहे, वीडियो पसंद आएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत मेहनत से वीडियो लाना पड़ता है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में अपनी राय दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों से, बोले भी सब्सक्राइब करें,
तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।